वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 49 में, जो कि है क्लास 9th की। आज की हमारी जो वर्कशीट है 29th ऑफ अक्टूबर की, इसके अंदर हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करा जाता है। अब पहले हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा होता क्या है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था, अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी डेटा होता क्या है। डेटा कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आपकी क्लास में कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, तो वो एक डेटा होता है। अभी आपके सामने है प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो हम रोज खबरों में पढ़ते हैं इतने लोगों को कोविड हो गया, इतने लोगों की इसकी वजह से प्रॉब्लम में डेथ हो गई, या फिर इतने लोग रिकवर हो गए। ये सारा कुछ क्या है, डेटा है। और ये रोज का रोज डेटा आता है। और आपको मैं बता दूं आगे आने वाली फील्ड में डेटा एनालिस्ट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर कोई बंदा मैथ्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है और स्टैटिस्टिक्स उसको नंबर्स थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स जो फील्ड है वो स्टैटिस्टिक्स की है, और बहुत ही हाईली पेड जॉब होती है ये। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका अभी टाइम है जब आप अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे होते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है। तो आइए चलते हैं, हम आज की जो वर्कशीट है उसमें हम डेटा को कैसे समझने वाले हैं। देखो, डेटा जो होता है वो आपके पास जब आपके हाथों में मिलता है उसे कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे कुछ मीनिंग नहीं निकलता। अगर मैं सामने नंबर लिख दूं तो इससे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स का क्या हुआ, ये मार्क्स अच्छे आए बुरे आए, ये 50 में से मार्क्स हैं, तो ये नंबर मैंने लिख दिए। ये डेटा जब आप एक नजर में देखते हैं तो इस डेटा से हमें कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कई तरीके हो सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। तो पहला आपका स्टेप होता है कलेक्शन। आप अभी भी अपने आसपास जो है अपने लोगों से कुछ सर्वे कर सकते हैं, छोटा सा, उसे हम छोटा सा सर्वे कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि उनके घर में बच्चे कितने हैं। तो एक छोटा सा सर्वे है, आप 40 लोगों के पास गए और आपने सबका सर्वे लिख लिया, 1, 2, 0, 3, वट एवर नंबर लिखते गए लिखते गए, उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने डाटा को कलेक्ट करा। अब आपने क्या करा, अब उस डाटा को आपने जब देखा तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में इन द सेंस एक नजर में नहीं पता चल रहा। सपोज करो अभी तो 40 लोगों को देखा था आपने, तब तक तो ठीक था, बट जैसे ही वो 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, पूरा इंडिया का हो जाएगा, तो डाटा आपको बहुत ही कॉपी में आपका नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, नंबर ही नंबर होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, हम उसको बदलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे। तो रॉ डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं कई तरीके से। सबसे पहला और इजी तरीका होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो 21 है और बहुत ही कम 40 है। तो कहने का मतलब यह है जब आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करा तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। इससे मुझे और चीजें पता चली कि जो लोएस्ट मार्क्स है वो 2 है, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ा करो, और हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 41 है। तो इससे मुझे ये भी पता चल रहा है। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, इसी डाटा से मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि इसका मोड क्या है। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आता है। तो जहां आपको पता चल जाए कि भाई सबसे ज्यादा बार कैसे आ रहा है, देखो अभी भी कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा, मुझे काउंटिंग करनी पड़ रही है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक नया तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो होता है टैली मार्क्स। ठीक है, तो अभी जो है आपके पास डाटा बहुत ही सिंपल सा था, ऐसा सा था, तो आपने क्या करा, टैली मार्क्स बनाया। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि कौन से मार्क्स कितनी बार आए हैं, मतलब कितने बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं। 3 ही बच्चे ऐसे थे जिनके 41 आए हैं, ऐसे 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 19 और 21 आए हैं, तो ये इनका मॉड हो गया। मॉड कहाँ पे यूज होता है, मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, और आपको एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक होता है जैसे मुझे अगर दुकान खोलनी है जूतों के साइज की, जूतों की बेसिकली, तो मैं सबसे ज्यादा कौन से जूतों के साइज रखूं या कौन से टाइप के जूते बेचूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मैं अगर दुकानदार समझदार हूं, देखो मैथ कहाँ पे यूज होती है, अगर मैं दुकानदार समझदार हूं तो मैं इसका टेली मार्क्स मतलब रोज डाटा बनाऊंगा कि रोज कौन सा जूता बिक रहा है, कौन से साइज का जूता बिक रहा है, ये दोनों चीजों का।
तो मैं जब दोनों चीजों का डाटा अगर मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा तो मुझे एट द एंड ऑफ द मंथ और 2-3 महीने बाद मुझे ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन सा जूता मैं ज्यादा रखूं, कौन से स्टाइल के मैं ज्यादा जूते रखूं, लोग कौन से, आप ये भी डाटा लगा सकते हो और निकाल सकते हो कि कौन से जूते वो पूछ रहे हैं कि भैया आपके पास ये वाले जूते हैं, आपके पास पार्टी वेयर है, आपके पास सैंडल्स हैं, जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, मैथ अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आती है तो आप अपना बिजनेस और आपकी बाकी फील्ड्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप के डाटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं है, डाटा बहुत ही छोटा है, 2, 5, 12 इंडिविजुअल है ये। अब ग्रुपिंग जो है वो आगे आने वाली कुछ वर्कशीट में या फिर नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे, जब डाटा बहुत ही बड़ा हो जाता है, जो भी रेंज में आ जाता है। मुझे सुबह से लेकर रात तक एक प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया जाए और मुझे रिकॉर्ड करना हो कि कौन सी ट्रेन कितनी बार कितने घंटे में कौन कौन सी ट्रेन जाती है सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह सपोज करो 6 बजे बैठा और शाम को 6 बजे तक, तो मैं हर एक मिनट पे थोड़ा ना लगाता रहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप कर दूंगा 6 से 7 बजे तक कितनी ट्रेन गई, 7 से 8 कितनी गई, 8 से 9 कितनी गई। तो उसे कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, हम इसी को कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी मदद से देख लेते हैं। ये नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको ये रॉ डाटा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या दे रखा है। ब्लड ग्रुप दे रखा है 30 स्टूडेंट्स का और उन्होंने हमें क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब ये टेलीमार्क्स बनाना है और मुझे अब इसकी मदद से टेलीमार्क्स बनाते हैं। आइए चलते हैं टेलीमार्क्स की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल, यहाँ पे कॉपी कर रखा है और टेबल मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टेबल पे ए बी ओ कुछ दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लड ग्रुप में यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ पे लिख दिया ओ, जिस ऑर्डर में आ रहा है मैं उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दिया ए बी। ठीक है, उसके आगे फिर दोबारा क्या है, ओ ए ओ, कोई नया है क्या? आपको पहले यहाँ पे टेलीमार्क्स में पूरे लिखने पड़ते हैं कि कोई नया तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे और कोई नया आ नहीं रहा। अब मैं टेलीमार्क्स, अब देखो ओरिजिनली तो टेलीमार्क्स पहले बनता है, फ्रीक्वेंसी बाद में बनती है। क्यों? क्योंकि आप हर एक घर में जाते हो, आपके हाथ में चार्ट होगा, आप पहले घर में गए, भैया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसने बोला ए, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डंडी बना दोगे। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक इस तरीके से डंडी बना दी। दूसरे घर में गए, वो कहता बी, तो मैंने यहाँ पर यहाँ डंडी बना दी। फिर कहता ओ, तो यहाँ बना दी, दो बार बना दी क्योंकि दो लोगों ने बोला। फिर ए बी के पास गए। अब ये चीज जो है ना हमारे पेपर में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ही पूरे पूरे ए वालों को काउंट कर लेते हैं। कैसे काउंट कर लेते हैं, सिंपल तरीका है, ये रहा एक ए, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ और एक नौ। तो उम्मीद करता हूँ कोई छूटा नहीं है हमारे पास, ये नौ हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नौ, यहाँ पे 9 बना दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस तरीके से एक बार में पांच होते हैं। ठीक है, तो पांच के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक लाइन बना देते हैं इस तरीके से, ऐसे ये लाइन हो गई। और फिर इसका नेक्स्ट आएगा, ये पांच हो गए, 6, 7, 8, 9, तो ये हो गया आपका ए का हो गया। अब जो है वो बी का देख लेते हैं, बी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे कलर का सर्कल बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज करो ब्लू सर्कल। तो बी कितने हैं वो हम काउंट कर लेते हैं, एक, दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ये हो गया पांच और ये हो गया छह। कोई छूटा नहीं है वो आप देख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, 6 कर देंगे।
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार वो आया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। और हम इस वाले में क्या करेंगे, पहले तो हमने बताया है ये 5 हो जाएगा और एक ये 6। तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी होगी। तो लाइन हम यहाँ से बना देते हैं। ये डायगनल बनाने का पर्पस क्या है, डायगनल बनाने का पर्पस है कि हम ये बताते हैं क्लस्टर करना। जैसे हम गांठ बांध देते हैं ना, 4 लकड़ियों को ले और पांचवे से आपने क्या कर दिया, धागे से उसको 5 को धागे से बांध दिया ताकि क्लस्टर ना लगे, मतलब अलग अलग इतने सारे ना दिखाई दे, काउंट करने में आसानी हो। वो देख लेते हैं, मैं सीधा ही काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो रहा है मेरे हिसाब से। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, ठीक है 12 लिख दिया हमने। इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे इसी तरीके से, ये हो गया 4, 1 2 3 4 5 5 10 11 12। तो हम यहाँ पे लाइन बना देंगे। एक लाइन बनेगी इधर इस तरीके से और एक लाइन बनेगी इधर, ए बी, ए बी का कितनी बार आ रहा है, एक इधर आया, 2 3 3 आ गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब हमारा चेक पॉइंट आ रहा है कि हमने ठीक करा या नहीं करा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल, आ गया 12 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3, कितना हो गया हमारा आंसर, आ गया 15, सॉरी 15 प्लस 15 30। तो ये हमें पता चल जाता है कि हमने जो करा है वो ठीक करा है या नहीं। तो हम सेम प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का भी हम यहाँ पे कॉलम और फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे। सो इनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन। ओके, मोस्ट कॉमन होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे जो आ रहा था वो था ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। उसके बाद है विच इज द मोस्ट रेयरेस्ट, तो रेयरेस्ट में आपने यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखा था जो था ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने इसका टेलीमार्क्स पहले से ही बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपका डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में कोई एक ना एक सर्वे करके देखें, प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट हो, कुछ सीखना हो, समझना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।